आदिकाल से ही कथावाचकों ने अपने शब्दों से श्रोताओं का मन मोह लिया है, पर एक बहुत ही विलक्षण प्रतिमा है। ये वो है जो ऊंची आवाज में जब पढ़ते हैं तो पात्र सजीव हो उठते हैं, किताबों से निकलकर हमारे संसार में आ जाते हैं। बस अब सो जाओ, जाओ। मैं इसे कहानी सुनाता हूँ, शायद सो जाए। ये बहुत छोटी। नहीं नहीं, तुम मेरे लिए क्यों नहीं पढ़ते? एक समय की बात है, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी। जो भी उसे देखता उससे प्यार करता, पर खासकर उसकी दादी जो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। एक बार उन्होंने उसे एक छोटी सी लाल मखमली टोपी दी। ये क्या था? क्या? मुझे नहीं पता। लाल मखमल जो उस पर इतना जचता था कि उसने उसके अलावा कुछ पहनने से इनकार कर दिया, इसलिए उसे कहते थे लिटिल रेड राइडिंग हुड। ज्यादातर ये जुबान के धनी थे, इन्हें कहा जाता था सिल्वर टंग। वो अपने हुनर को राज रखना पसंद करते थे, पर कुछ को तो ये पता भी नहीं होता कि उनमें ये हुनर है, और तब तक समय हाथ से निकल जाता। क्या यही सही रास्ता है? ये अगला मोड़ है बाईं तरफ। मेरे ख्याल से हमसे वो छूट गया है। ड्राइवर कौन है? आप? नेविगेटर कौन है? मैं? क्या पहले कभी हम रास्ता भटके हैं? नहीं नहीं। अरे अरे, वो देखो, सास्क्वॉच। मुड़ना था। बाय बाय बाय। बुकशॉप होना चाहिए इस गली के आखिर में और चौक के दाईं तरफ। गुड। ऐसा क्यों है कि जिस भी बुकशॉप में हम जाते हैं वो हजारों साल पुरानी होती है? हम ऐसी में क्यों नहीं जाते जो हॉट चॉकलेट और किताबें बेचती हो जो असल में नई हो? नए बुक स्टोर में मुझ जैसे बुक बाइंडर का क्या फायदा होगा? मुझे पुरानी किताबें पसंद है, उनके मोटे कागज, उनके भीगे पन्ने, मोटे कागज, चमड़े की जिल्द। ऐसी जगह मुझे पसंद है। शायद आपको वो यहाँ मिल जाए। मो क्या मिल जाए? वो किताब जिसकी आपको तलाश है। मुझे किसी खास किताब की तलाश। क्या आप सोचते हैं मैंने गौर नहीं किया? आप कभी भी किसी बुकशॉप से नहीं निकलते जब तक हर कोना छान नहीं लेते। सभी करते हैं। नहीं, और आप हमेशा निराश होकर निकलते हैं। कई बार तो आपकी आंखें थोड़ी सी लाल भी होती हैं। क्योंकि किताबों पर धूल होती है। ए, देखिए, हैरियट द स्पाई। मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम चल रही हो? हाँ, द सीक्रेट गार्डन। ऐसा करो, तुम यहीं रुको। गुड आफ्टरनून, मैं हूँ मोर्टिमर फॉलचार्ट। ओह, वो मशहूर बुक डॉक्टर। वैसे तुम सही वक्त पर आए हो। इस बेचारी मरीज को देखो। हाँ, तुम्हें लगता है मुझे बचा पाएंगे? मुझे लगता है इलाज हो सकता है। बढ़िया, बहुत अच्छा कलेक्शन है आपके यहाँ। हाँ, अगर आप देखना चाहें तो आपका स्वागत है। थैंक यू। कैप्रिकॉन के आदमी दस फिंगर को ढूंढ रहे थे गलत जगह पर। वो गांव छोड़कर नहीं गया, उसने कोशिश भी नहीं की थी। दस फिंगर तो बास्ता के घर में ही था। वो क्या है जो पहाड़ के पीछे आ रहा है? किसी किस्म का जानवर है?
उसे पसंद नहीं कि कोई उसे गुदगुदी करे। तुम्हें और ध्यान देना चाहिए। उसका नाम है ग्वेन और मैं जानता हूं कि वो खूबसूरत लगता है, पर पता है क्या कहते हैं किताबों और कवर्स के बारे में? हाँ पता है, और ये भी कि अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, पर मैं अजनबी नहीं हूँ मैगी। तुम्हें मैं याद नहीं, हम सिर्फ एक बार मिले हैं, उस वक्त तुम बहुत छोटी थी। मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। हेलो सिल्वरटॉम, मैं अभी अभी तुम्हारी बेटी से बात कर रहा था। मैगी तुम जाके वैन में बैठो, कोई बात नहीं, पुराना दोस्त है। डैड, जो कहता हूँ करो, जाओ। चलो तुम और मैं थोड़ी सैर कर लें। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं सालों से तुमसे एक कदम पीछे रहा हूं, इस इंतजार में कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें कब मिलेगी। सिर्फ इतना कहो, तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि तुम वो गलती सुधारो जो तुमने 9 साल पहले की थी। मैं तुम्हें यहाँ चेतावनी देने आया हूँ। कैप्रिकॉन जानता है कि तुम कहाँ रहते हो। उसके आदमी वहाँ इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी के घर आने का। वो चाहता है कि तुम उसके लिए पढ़ो। खैर उसकी बदकिस्मती है, अब मैं ऊंचा पढ़कर नहीं सुनाता। अगर वो तुम्हें ढूंढ लेता है तो तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं होगा। मैं छुपे रहने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पर करूंगा नहीं जब तक तुम उससे मुझे घर भेजने का वादा नहीं करते। मैं यहां बहुत देर रह चुका, मुझे घर भेज दो सिल्वर टंग, मेरे लिए पढ़ो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, यह बहुत खतरनाक है, काबू से बाहर है। अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा जो कर सके। बस मुझे वो किताब दे दो। कैसी किताब? मेरे पास कोई किताब नहीं। तुम्हारे पास किताब नहीं? नहीं, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, मेरे पास नहीं है। इस बैग में क्या है? क्या आखिर तुम्हें एक मिली गई? अजीब बात है ना, इत्तेफाक से मैं भी उसी पल यहाँ आ पहुंचा। क्यों? पता है जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सितारे एक दिशा में आ जाते हैं। फिलहाल वो वक्त नहीं आया। डैड! क्या हो रहा है? मैंने तुमसे कहा था बैंड में रहो, चलो। चलो जल्दी स्टार्ट। रुको रुको, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कर रही हो तुम? रहने दो, छोड़ो। मैं वो किताब देखना चाहती हूं। तुम उस किताब को हाथ नहीं लगाओगी, समझी? नहीं, मैं नहीं समझी, मैं बिल्कुल नहीं समझी। क्या है वो किताब? वो चेहरे पर दाग वाला आदमी उसे क्यों लेना चाहता था? उसने आपको सिल्वर टंग क्यों कहा? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आपको मुझे बताना होगा। नहीं, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सुरक्षा करनी है। मेरी माँ? इसका मेरी माँ से क्या लेना देना? मैगी प्लीज। मुझे डर लग रहा है मो। मैगी, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, हमेशा की है और करता रहूंगा। ये तो बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? हम इटली जा रहे हैं, वहां तुम्हारी मौसेरी दादी रहती है। ओके प्लीज मैगी, और सवाल मत पूछना। मौसेरी दादी किस किस्म की है? तुम्हें वो अच्छी लगेंगी। क्या तुम वो नाम मुराद घंटी बजाना बंद करोगे? कुछ समय बाद
वो एक स्वाद की तरह अच्छी लगेंगी। ठीक है। क्या एलेनोर? खैर, थॉमस हार्डी की कसम, मुझे खुशी है कि आखिर तुम यहाँ आ ही गए मोर्टिमर। मेरी बेचारी किताबें बहुत ही बेजार हालत में हैं। फिक्र मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। खाने से खेलो मत, तुम छोटी बच्ची नहीं हो। जरा देखो तो इसे साबुन के बुलबुले जैसी पतली है। इसे देखकर मुझे इसकी माँ याद आ जाती है। बस ये फर्क है कि ये ज्यादा बोलती नहीं है। हाँ, अरीसा की बात कर रही थी। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ओह खैर, कोई बात नहीं, मैं भी बिना माँ के पली बड़ी हूँ, इससे मुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ। बस मेरी माँ एक दिन अचानक सफारी पर कूच कर गई और लौट कर ही नहीं आई। हमारे परिवार की औरतें लगता है यही करती हैं, बस एडवेंचर पर चली जाती हैं। बस मैं नहीं गई, मैं यहीं रहना पसंद करती हूँ। पर तुम्हारी माँ, वो तो बस किसी असलियत की तलाश में थी। मेरी माँ मुझे चाहती थी, फिर एक दिन वो चली गई बिना कुछ बताए। क्या इसी को आप एडवेंचर कहते हैं? नहीं, इसे तो मैं कहती हूँ त्याग देना। बहुत खूब एलेनोर, तुम्हें पता है यही सच है। माँ ने मुझे त्यागा नहीं? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। तो असल में उनके साथ क्या हुआ था? मेरी तरफ देखिए, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। तकरीबन। कम से कम मैं इतना तो जान सकती हूँ कि मेरे साथ अहम बात क्या हुई। क्या मैं नहीं समझती कि मैं क्यों नॉर्मल स्कूल में नहीं हूँ और हम हमेशा जगह क्यों बदलते रहते हैं? इन सभी सालों में आप माँ को ढूंढ रहे थे और उस किताब को पर बस ये नहीं समझ रही थी कि कैसे ही दोनों आपस में। मैगी, आपको मुझे कुछ तो बताना होगा। मैं कई बार उनके बारे में लिखती हूँ। वाकई? हाँ, मैं कहानियां बनाती हूँ। तुम कहानियां बनाती हो मैगी? तुम जानती हो मुझे ये पसंद नहीं। मुझे करना पड़ता है, शब्द उन्हें मेरे पास वापस लाते हैं। हाँ, लिखे हुए शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, तुम्हें उनसे सावधानी बरतनी होगी। मैं कभी उनसे मिल पाऊंगी? मुझे उम्मीद है मैकी कि हम उसे मिल पाएंगे। दूर रहो, तीन कदम दूर। मैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें पहले ये बात कह दी थी। माफ करना, मैं बस पढ़ने के लिए किताब ढूंढ रही थी। क्या ये नाक का निशान है? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स कितनी कीमती हैं? हाँ, मैं जानती हूँ। ओह, तुम जानती हो, है ना? ये फारसी है ना? मैं रंगों से बता सकती हूँ, वो गुलाबी और नीले रंग और वो सोने से बने पैटर्न के बैकग्राउंड, शायद ये 12वीं शताब्दी से होंगे, है ना? कमाल है, तुम तो बड़ी 30 मार खा निकली। ये बहुत खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल, पर मुझे फारस की हर बात पसंद है। तो क्या फारस गई हैं? हाँ, सैकड़ों बार। उसके साथ ही गई पीटर्सबर्ग, पेरिस, मिडिल अर्थ, दूर के ग्रह और शंग्रीला। और मुझे इस घर से निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बुक्स कितने एडवेंचरस होती हैं, उनमें भरी होती है उथल पुथल, पैशन। किताबें अपने चाहने वाले को प्यार करती हैं। अगर मैं कुछ न छूने का वादा करूं, तो क्या मैं बस बैठकर इस कमरे में कुछ पढ़ सकती हूं? ये वो विंडो सीट है जहां वो सुकड़कर बैठती थी और पढ़ती थी। वो कौन? तुम्हारी माँ। तुम्हारे पिता यहां उसके लिए पढ़ते थे। ये उसका है।
अगर यहाँ मुझे एक भी बुक मार्क हिला मिला तो इस कमरे में ताला लगा दूंगी और दोबारा इसके अंदर नहीं आ सकोगी तुम, ये मेरा वादा है। दी थी, मैंने तुम्हें हर अवसर दिया मेरी मदद करने का, पर तुमने इनकार कर दिया। तुम्हें बस यही तो करना था कि मेरे लिए पढ़ते, तुम किताब रख सकते थे, पर तुम भाग खड़े हुए, इसलिए मैंने कैप्रिकॉन से मदद मांगी। क्या उसने मदद का वादा किया है? तुमने ये क्या किया? मैगी! वो घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बास्ता, क्या तुमने मुझे याद किया? रुक जाओ। ओह, तुम आज पर गंवार कहीं के? ये मास्टरपीस है जो तुम तबाह कर रहे हो। मास्टरपीस है बेवकूफ का मकलो कहीं के। तुम्हें पता है मैं ये कर सकता हूँ? इसमें कुछ शब्द नहीं लगेंगे। ओ, हमें तुम्हारे शब्दों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हें मेरा स्वभाव याद है ना? है एक दो तीन, अगर ये काम ना करे तो तुम्हारी बेटी तो है, है? अच्छा, यहाँ से किसी को चोट नहीं पहुँचनी चाहिए। ये ठीक है, ठीक है। क्या हम इस पर सहमत नहीं हुए थे? क्या हम इस पर सहमत नहीं हुए थे? सहमत हूँ, सहमत हूँ, सहमत हूँ, सहमत हूँ। दुष्ट आत्माओं में तुम्हें धिक्कारता हूँ, दुष्ट आत्माओं में तुम्हें धिक्कारता हूँ। मैं ठीक है, उन्हें वैन में तुम्हें धिक्कारता हूँ। देखो, तुम्हारे नहीं ले जा सकते, कैप्रिकॉन का ऑर्डर है। आखिरकार हमें भी तो जरा दबाव डालना होगा ताकि डैडी पढ़े। मेरी बच्ची को इसमें मत घसीटो, देख भगवान के लिए उसे छोड़ दो। नहीं नहीं, ये क्या है? नहीं, यही तो मेरी पत्नी को ढूंढने का जरिया है। लौटने की मेरी एक मात्र उम्मीद। छोड़ दो मुझे। बताएंगे कि ये सब क्या हो रहा है? मो, क्या कभी तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए बेड टाइम स्टोरी पढ़ी है? शायद तुम उनसे पूछना चाहो। दो मुझे, दे दो इसे, दो दो मुझे, दो। चलो, रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं, मेरी बुक्स, वो नहीं। चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलो,
वो यहाँ आ गए। अरे वो आ रहे हैं। क्या बात है, पहले आओ। बाहर निकलो, चलो चलो बाहर। ओह कितने बदतमीज हैं। चलो चलो चलो। ये टिकिंग है। ये कौन सी जगह है? मुझे नहीं पता। मजे से रहो। अंदर। मैं इस गंदे दड़बे में नहीं रहूंगी। ये सब क्या हो रहा है मौत में? ये दरिंदे यहाँ कहाँ से आए? किताबों से। ये किताबों से निकले। तुम क्या बात कर रहे हो मोर्टिमर? जल्दी बताओ, साफ साफ बताओ, वरना तुम्हें बेदखल कर दूंगी मैं। किताबों से निकले हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ मैगी, ये वो कहानी है जिसे तुम सुनना चाहती हो। एलेनो, तुम बाहर गई थी एक पुस्तक मेले में और हम तुम्हारे घर की देखभाल कर रहे थे, मैं, मैगी और रेसा। और उस रात हम लाइब्रेरी में थे तो मैंने उस किताब की कॉपी खोली जो हमने अभी अभी खरीदी थी, इंकहार्ट। इंकहार्ट? ये पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पूरी एडवेंचर और जादू से भरी, और एक जीव जिसका नाम था शैडो, बहुत डरावना। मैंने बहुत से अध्याय ऊंची आवाज में पढ़े और कुछ नहीं हुआ। फिर वो प्रकट हो गए, न जाने कहां से। किताब के मध्यकालीन युग से सबसे पहले आया कैप्रिकॉन, एक चालबाज लुटेरा जो एक दुष्ट द्युक के लिए काम करता था। फिर बास्ता, उसका चाकू चलाने वाला चमचा, और फिर डस्ट फिंगर, एक जगह जगह घूमने वाला आग का बाजीगर जिसमें जादुई शक्तियां थी। मेरी आवाज उन्हें बाहर निकाल लाई। तुम्हारी आवाज उन्हें किताब से बाहर निकाल लाई? और ऐसा अंदर चली गई। इसी तरह ये काम करता है। उस रात डस्ट फिंगर ने हमें कैप्रिकॉन से बचाया। उसी वक्त मुझे लगा कि रेसा, तुम्हारी माँ गायब थी, वो चली गई। वो लोग बाहर आ गए और रेसा अंदर चली गई। रेसा! और मैगी, तुम्हारे लिए वो कहानी मैंने आखिरी बार पढ़ी थी जब हमने तुम्हारी माँ को खो दिया। वो किताब के अंदर चली गई। खुदा बचाए मोर्टिमर, इतने साल तुमने रीसा के बारे में मुझे बुरा सोचने दिया, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्या आप मेरा यकीन करती? आप वापस पढ़कर माँ को किताब से निकालना चाहते हैं, इसलिए आप इतने साल से इंकहार्ट को ढूंढ रहे थे। अगर वो जिंदा हुई तो? आप कहते हैं वो उस किताब में कैद है, पर आपको कैसे पता? किसे पता है वो है भी या नहीं? और अगर है तो वो 9 साल तक जिंदा कैसे बची? अगर वो दरिंदे इन जैसे है तो क्या इससे भी बुरे? आपको कैसे पता वो कहाँ है या वो जिंदा है या नहीं?
ये आपको कैसे पता? ये बिल्कुल किताब की तस्वीरों की तरह है। काफी डरावना है। ये तो भयानक है। इस आदमी में कोई तहजीब ही नहीं है। क्या तुम मुझे ढकेलना बंद करोगे? मैगी, बस तुम दिखावा करो कि तुम किताब में हो। बच्चे हमेशा किताबों में बच निकलते हैं। नहीं, हमेशा नहीं। याद है वो द लिटिल मैच गर्ल? वो उन्हें गली में मिली सर्दी से जमी हुई। अंदर आ। हमने तुम्हारे लिए अच्छी सीटें रखी है। कैप्रिकॉन। मैंने कहा था धकेलना बंद करो। प्लीज, तुम बूढ़े हो गए हो। तुम्हें किला मिल गया? बेशक, मुझे मिल गया। और हेयरकट भी। एक शानदार किला, शांत दूर जंगल में, घूरती आंखों से दूर। ओ हाँ, मैं तुम्हारे संसार में काफी अच्छे से एडजस्ट हो गया हूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, ये जरूर तुम्हारी बेटी होगी। जीने के लिए कितने सबब हैं। और तुम बातों नहीं बढ़िया, बिना मुंह खोले ही कितना हल्ला मचाते हो। तुम काल्पनिक बर्बर दरिंदे! तुम्हारी दुष्टता तुम्हारी बेवकूफी से मेल खाती है। पता नहीं तुम्हारे इस घटिया नॉवल में क्या है, पर जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ लाइब्रेरी को तहस नहस नहीं करते। मेरी पूरी जिंदगी का काम तबाह कर दिया तुम्हारे कुछ अनपढ़ गंवार लुटेरों ने, बेवकूफ। बूढ़ी औरतों से मेरे सब्र का पैमाना भर जाता है। मेरे रीडर को जानते हो? डेरिस, क्यों ना अपने मेहमानों को बताओ कि हम किससे संघर्ष कर रहे हैं। ये पढ़ो। पर तुमने कहा था कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा जब वो यहाँ आ जाएगी। खैर, मैंने वो झूठ बोला है ना जब मैंने ये कहा। किताब पढ़ो। रपंजल के शानदार लंबे बाल थे, वह इतने महीन थे जैसे सोना खाता हो, और जब उसने उसे सुना। देखा तुमने, इसके चेहरे की लिखावट पढ़ो। इसने किताब में से सिर्फ आधा भाग पढ़ा है। दहखाने में ले जाओ इसे, इसके बाल काट दो। अगर तुम्हारी यही मंशा है तो मैं ऊंचा नहीं पढ़ूंगा, खासकर इन लोगों की मौजूदगी में। लड़की को ऊपर लाओ प्लीज। मेरी बेटी को। यहाँ ऐसा ही होता है। तुम ठीक वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा, या मैं बुढ़िया को मार डालूंगा और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए कैद करके रखूंगा। साफ है? बढ़िया। खैर, चलो कार्रवाई शुरू कर दें। ये बहुत बढ़िया किताब है, अमीरी से भरी हुई। क्या मैं खजाना पढ़ूंगा? फिलहाल तो किसी को मरम्मत के पैसे देने होंगे और सभी स्थानीय लोग गरीब हो चुके हैं। मैं तुम्हें आगाह करता हूं, जो आता या जाता है उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं। मुझे कोई अंदाजा नहीं क्या होने वाला है। वाह, इसमें तो मजा आएगा। चलो इसे आजमाते हैं। कासिम ने गुफा के अंदर के खजाने पर नजर डाली। सोने और चांदी के पहाड़ जो फर्श से लेकर छत तक भरे थे, ढेरों रेशम और जवाहरात के बोरे। कासिम ने सारा खजाना इकट्ठा किया जितना कि वो उठा सकता था। तब उसे पता चला कि गुफा का दरवाजा बंद हो चुका है, और अल्लाह की मर्जी से वो गुप्त शब्द भूल गया था। वो चिल्लाया, खुल जा बारले! पर दरवाजा टस से मस ना हो। कासिम ने हर अनाज का नाम ले डाला जो वो सोच सकता था। खुल जा गेहूं, खुल जा बाजरा! पर फिर भी दरवाजा नहीं खुला। फिर आवाज आई नजदीक आते घोड़ों की टापों की। रेत! कासिम छुपने के लिए दौड़ा,
पर फिसल गया। चारों तरफ सिक्के उलट गए। फिर एक दबी सी आवाज आई, खुल जाओ सिमसिम। और गुफा का दरवाजा खुल गया और प्रकट हुआ बहुत ही डरावना समूह डाकुओं का, बेहद खतरनाक। क्या? देखा तुमने, इसी तरह होना चाहिए ये। देखा मैंने क्या कहा था तुमसे? उस लड़के को असबल में डालो और उसे मगरमच्छों को खिला दो। पर अगर ये यहाँ पर आ गया है तो वहाँ कौन गया है? बचाओ, बचाओ। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, जैसा तुमने वादा किया था। तुम्हारी बारी? ओ, तुम्हारा मतलब है ये, इससे। ये बहुत ही नायाब किताब है, कई सालों से मैं इसे खोज मैं तुम्हें वापस नहीं भेज सकता, मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं। हमें वापस भेजना? हम क्यों भला वापस जाना चाहेंगे, जबकि तुम्हारी दुनिया इतनी आरामदेह है। तुम्हारे वो टेलीफोन और तुम्हारी बंदूकें और वो चुपचुपी चीज क्या होती है, वो डक टेप। डक्ट टेप मुझे बहुत पसंद है, डक्ट टेप। इसके अलावा मैं क्या था इंकार्ट में? उस एडहेड का चमचा जो जंगलों में रहता था इन गंदे जानवरों के साथ। पर अब देखो मुझे, मेरे पास किला है। मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा, हमें से कोई नहीं, कभी नहीं। इस बात का पक्का करने के लिए मैं वो करने वाला हूँ जो हमेशा करता हूँ, जब मुझे उस किताब की कॉपी मिलेगी। तुमने वादा किया था तुम मुझे घर भेजोगे। हाँ जानता हूँ, मैंने झूठ बोला था जब ये कहा था। मेरा मतलब है मैं झूठा हूँ। इतने सालों के बाद तुम्हें लगता है वो मुझे जान नहीं पाया अब तक? नहीं, नहीं, इसे बाहर निकालो, जलने मत। नहीं, क्या हर बार तुम्हारे लिए ये करना जरूरी है कमबख्त ईमानदारी? मत करो। अब अपने जख्मों पर मरहम लगाओ, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा अपनी साप्ताहिक जगल नाइट कैंसिल करने के लिए। तुम्हें पता है ना मुझे वो कितनी पसंद है। कैद कर दो इन्हें। मगरमच्छ को खाना खिलाना मत भूलना, समझ गए ना? ये क्या है? नहीं 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 नहीं, उसका ये मतलब नहीं था, वो बस भूखा है। ये उसकी गलती नहीं है। वो एक माइनोटॉर है, वो मुश्किल से चल पाता है। भला हो डेरियस का और उसके पढ़ने का। हम किताब लेकर आए थे जिसे हमने अपने चेहरे पर गोद डाला। देखो उसने मेरी आंखों के साथ क्या किया। अगर तुम सोचते वो बुरा है तो मेरी नाक की हालत देखो। ये भयानक है। ये ठीक है तो तुम कल्पना कर सकते हो कि हम कितने खुश हैं कि तुम आए। बढ़िया है, क्योंकि अब हमारे पास कोई है जो सचमुच पढ़ सकता है। मुझे चोट लग गई फिर से। मेरी समझ में नहीं आ रहा, इंकार्ट में मेरे हाथ वो कभी जले नहीं, पर यहां आग किसी पर रहम नहीं खाती।
तुम फिर से भागने की कोशिश कर रही हो। रीसा, हार मान लो, हम कहीं नहीं जा सकते। एक पल के लिए मैंने इंकहार्ट अपने हाथों में पकड़ी थी, पर अब वो राख है। मैं कभी घर नहीं लौट सकता। पर तुम्हें, तुम्हें अभी भी उम्मीद है। जब डेरियस ने तुम्हें इंकहार्ट से पढ़ा तो उसने तुम्हारी आवाज वहीं पीछे किताब में छोड़ दी। पर अगर तुम बोल सकती तो क्या तुम मुझे अपनी कहानी सुनाती? सुनाती ना? नहीं, तुम नहीं बताती, क्योंकि तुम मेरे बारे में गलत सोचती हो। तुम मुझे कमजोर और धोखेबाज समझती हो। मैं पूरा ऐसा नहीं हूं, पूरा का पूरा नहीं। ये एक सपना है, बस एक सपना है, एक सपना है। तुम ठीक हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फरीद है। तुम 40 चोरों में से एक हो? मुझसे बात मत करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि सपने में बात करना अपशगुन है? बेवकूफ लड़की, सपने में बात करोगे तो घर कभी नहीं लौट पाओगे। बेवकूफ, तुम सोचते होंगे कि ये सपना है। मैं तो बस अच्छे से पेश आ रही थी। जाओ और बड़बड़ाते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं। ये बस सपना है, बस सपना। घर आ जाओ प्लीज, घर आओ। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। मैं कैसे तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा? रीजा, अगर मैं तुम्हारी चाबी ढूंढ भी पाया तो तुम कहां जाओगी? ये तुम्हारा परिवार है? ये तुम्हारा पति है? तुम्हारी बेटी? तुम किताब में चली गई जब मैं बाहर निकला। तुम किताब में चली गई जब मैं बाहर निकला, और फिर डेरियस ने तुम्हें दोबारा पढ़ा। ग्विन, मैं तुम्हें इन जंजीरों से आजाद कराऊंगा और तब तुम घर वापस जाओगी। मैं तुम्हें अस्तबल में मिलूंगा। आज से पहले मैं इतना काबू में कभी नहीं था। मैं जानता हूं मैं रेसा को किताब से निकाल सकता हूं और शायद कैप्रिकॉन को अंदर डाल सकूं। हमें कोई और कॉपी ढूंढनी ही पड़ेगी। खैर, 9 साल लगे थे पिछली वाली को ढूंढने में। लेखक के पास कॉपी होगी?
अगर वो जिंदा है तो उसके पास जरूर होगी। किसी को पता है वो कहाँ रहता है? बढ़िया, अब हमें यहाँ से भागने की कोशिश करनी है ना? या ऐसा होगा हम टिकिंग मगरमच्छ का चारा बन जाएंगे। किसी को इसे रोकना होगा। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी जान बचाने। पहले तुमने ही तो हमारी गर्दन काटने का सामान जुटाया था। सुनो, जितना तुम्हें अपनी पत्नी वापस चाहिए उतना ही मैं अपने परिवार के पास लौटना चाहता हूँ। अगर तुम सोचते हो कि वहाँ इंकहार्ट की कोई और कॉपी है तो चलो हम मिलकर ढूंढते हैं। और हमारे बच निकलने का कोई उपाय है? पेज 14। वो भयंकर तूफान। किले के अंदर चलो, चलो चले। उत्तर से उन्होंने हवा की धीमी सरसराहट सुनी और अंकल हेनरी और डोरेथी देख रहे थे जहां ऊंची घास झुक गई थी। आने वाले उमड़ते तूफान से चक्रवात आने वाला था। मैं मवेशियों को देखता हूँ। डॉगी, अच्छी डॉगी। अचानक अंकल हेनरी खड़े, चौक के बाहर आ जाओ, चौक के बाहर आ जाओ। शेड की तरफ भागा जहाँ गायें और घोड़े रखे थे। आंट टैम ने अपना काम छोड़ा और दरवाजे पर आई। खतरे की घड़ी को वो एक ही नजर में पहचान गई। जल्दी करो डोरोथी, वो चिल्लाई, तहखाने में भागो। उस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ। तीन से चार बार घर घूम गया और धीरे से हवा में उठा। डोरोथी को लगा जैसे वो गुब्बारे में उड़ रही हो। मैं उसे पढ़कर नहीं निकाल सकता। क्या हो सकता है, हम उड़ रहे हैं या फिर ये रास्ता हमसे गुजर रहा है। वो अलासियो में रहता है। वो किस तरफ है?
दक्षिण में। दक्षिण? क्या तुम और विस्तार से नहीं बता सकते? तुम्हारे लिए, वरना तुम सर्दी में जम जाओगे। लगता है यही वो जगह है। वो फिश मॉगर दुकान पर उस आदमी ने कहा कि वो चौक के पास वाले अपार्टमेंट में रहता है। बढ़िया। मैं नहीं आ रहा। क्या मतलब है तुम नहीं आ रहे हो? तुम नहीं आ रहे हो तो वो मेरा यकीन नहीं करे। मुझे नहीं पता, तुम अपनी बात मनवाने में माहिर हो। ऐसे ही तुम्हें किताब से बाहर आया। समझ में नहीं आ रहा, हम किताब के इतने करीब पहुंच चुके और तुम डर रहे हो। तुमने असल में घट पढ़ी नहीं है। उसमें पढ़ने जैसा क्या है? मैंने उसे जिया है, सिवाय अंत के, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। फिर क्यों नहीं? क्या तुम्हें अपनी कहानी का अंत पता है मैगी? नहीं, और मुझे लगता है तुम जानना भी नहीं चाहोगी। ये ऐसा होगा जैसे रहस्य का आखिरी पन्ना पलटना। उसमें क्या मजा है? वैसे मुझे तो अपनी कहानी का अंत पता है। मैं घर जा रही हूँ। क्यों? मुझे माफ करना, मेरे लिए ये सब बहुत ही टेढ़ी खीर है। मुझे वो कहानी पसंद है जिसके कैरेक्टर उसी पन्ने पर रहने में भलाई समझे जहाँ वो हैं। मुझे वापस जाना होगा अपनी बेचारी बर्बाद किताबों के पास। मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें दोबारा से ठीक कर सकूं। वो सब मैं करता हूं। ये तुम्हारे लिए कुछ पैसे हैं। देखो, मैं अपना टिकट खरीद चुकी हूँ। गुड बाय, गुड लक। सर्दी से बचना। बाय। ये रही, यही होनी चाहिए, यही है क्या? सीनियर फिनोलियो? हाँ। सर, मेरा नाम मोर्टिमर फॉलचार्ट। मैं मैगी हूँ। मेरी बेटी। मैं लेखक बनना चाहती हूँ। क्या कह रही? अच्छा, ये बात है, मुझे लिखने के लिए कुछ दो, जल्दी करो, अवन में मेरा केक पड़ा है। अब वही मत खड़े रहो बुद्ध की तरह। अगर तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए तो मुझे पेन दो, जल्दी करो। हमें ऑटोग्राफ नहीं चाहिए। तुम्हें ऑटोग्राफ नहीं चाहिए? नहीं। तो फिर खुदा के लिए तुमने मेरी घंटी क्यों बजाई, बताओ मुझे। वैसे मैं 10 फिंगर प्यासा में है और हम अभी अभी कैप्रिकॉर्न की कैद से छूटे हैं, और आप मानेंगे नहीं, बास्टर ने क्या करने की कोशिश की। क्या? सिल्वर टंग बहुत ही अद्भुत कल्पना है, काश मैंने इसे सोचा होता, पर यह बहुत अजीब है, इसे गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। मैं जानता हूँ मेरे पात्र इतने विश्वसनीय है कि लगता है कि वो पन्ने से बाहर आ रहे हैं, पर यह बिल्कुल संभव नहीं। बिल्कुल वैसा जैसे मैंने उसकी कल्पना की थी। जन्म देते समय ऐसा ही महसूस होता होगा। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? वो मिलना नहीं चाहता। बेशक वो चाहता है, मैं तकरीबन उसका पिता हूँ। खैर, वो अंत में क्या था? ये कहलाता है ड्रैगन्स ब्रेथ। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? मुझे यकीन है आपके लिए ये बहुत ही उत्तेजना भरा होगा अपने पात्रों से मिलना, पर जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं वो है तरीका खोजना कि कैसे इस पात्रों को किताब में वापस भेजा जा सके। तुम्हारे पिता ने मुझे एक कैरेक्टर के लिए आइडिया दे दिया, एक चोरों का सरदार जो चीजें चुराता है, जिस तरह 5J चुराता है खिड़कियों की मुंडेर पर बड़ी चमकीली चीजें। मैं तुम्हारे पात्रों को चुराने की कोशिश नहीं कर रहा। उन्हें किताब में से तो ले लिया और तुम उन्हें मुझसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो बस अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता हूँ।
जबरदस्त सिंगा, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये घाव के निशान सही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भयानक मैंने सोचे थे। उम्मीद है मुझसे तो नहीं। एक मिनट, मैं देखता हूँ। वो डरता है कि किताब के अंत में क्या होगा। क्या मतलब है तुम्हारा, क्योंकि वो मर जाता है? नहीं नहीं, ठीक है, मुझे माफ करना। वो अंत में मर जाता है? मुझे कहानी को दिलचस्प बनाना था। उन सबका सुखद अंत नहीं हो सकता, हकीकत में कभी ऐसा नहीं होता। ये कैसे होता है? तुम कैप्रिकॉन के एक आदमी द्वारा मारे जाते हो, क्वीन को बचाते बचाते। ये बहुत ही भावुक मौत का दृश्य है, मैं रो पड़ा जब मैंने लिखा। तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह है? तुम मेरी तकदीर को वश में ना करते, वरना मैं यहाँ ना होता। मैं बस एक पात्र हूँ तुम्हारी किताब में, और तुम मेरे खुदा नहीं हो। अब सुनो ए बुड्ढे, क्या तुम्हारे पास किताब की एक कॉपी भी है या नहीं? क्योंकि मैं घर वापस जाना चाहूंगा, प्लीज। समस्या यही है कि कई दशकों से वो प्रिंट नहीं हो रही, साथ ही पहले छपी किताबें बहुत कम थी, फिर गोदाम में आग लग गई थी, और अंत में पब्लिशर का धंधा ही चौपट हो गया। इसमें तो बहुत अरसा लग जाएगा। रुक जाओ, ये बेवकूफी करने का समय नहीं है, बंद करो। तुम बकरी के मूंछ जैसी खट्टी हो। शुक्रिया, और मैं ये नहीं जानना चाहती कि तुम्हें ये कैसे पता। आसपास देखो, ये बाग और बगीचे स्वर्ग हैं। कोई गुलाम बनाने वाले नहीं, कोई रेगिस्तानी आंधी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई शांति और सुकून नहीं। नहीं नहीं, ये वो भी नहीं है। मैंने जरूर कुछ कॉपियां बचा कर रखी थी, पर मैंने उन्हें एक बुक एग्जीबिशन के लिए उधार दिया था, और जिनवा में वो चुरा ली गई थी। मेरे ख्याल से इस चोरी के पीछे कैप्रिकॉन ही था। उस समय मैंने मान लिया था कि वो बदकिस्मती ही थी। आहा, मिल गया, लो। क्या मिला? इसकी मूल पांडुलिपि, जरा ये देखो, टाइप रिटन। क्या तुम सोच सकते थे? झपटो मत। इतने सालों के बाद भी मुझे उनके पात्र याद है, वो वाटर निम्स जो बिना राह के जंगल में थे। और उम्रा के किले में वो ब्लैक प्रिंस, वो वाटली वासी, और बेशक तुम द स्विंगर, और साथ ही साथ विलिंस, वो एडरहेड, कैप्रिकॉन, और वो फायर रेजर्स, और सबसे बदतर शैडो। ये बहुत ही शानदार किताब है, मैं इसमें जाने के लिए कुछ भी करूंगा। खैर तो कतार में लग जाओ बुड्ढे। मेरे पास पेज 209 से 447 है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास बाकी के हैं। ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी। अब क्या तुम पढ़कर मुझे वापस भेज सकते हो? मैं कोशिश करूंगा, पर अपनी पत्नी को पढ़कर निकालने के बाद, और अगर वो ठीक हुई, इसी शर्त पर मैं ये करूंगा। शायद हमें एक समस्या हो। तुम किस समस्या की बात कर रहे हो? तुम उसे पढ़कर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो उस किताब में नहीं है। तुम मुझे क्या नहीं बता रहे? मैंने उसे देखा है, वो दरअसल अब उस किताब में नहीं है। वो है, वो कहां? कैप्रिकॉन के गांव में है। डेरियस ने उसे पढ़कर निकाला। वो जिंदा है? हम वहीं पर थे और तुमने मुझे बताया नहीं। हमें किताब चाहिए। हमें किताब नहीं चाहिए थी। मुझे किताब चाहिए थी। मैं हाँ वहाँ पर थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। सुनो, मेरी तरफ इस तरह ना देखो, क्योंकि अगर तुम्हारे पिता को सच का पता होता तो वो किताब लाने में मेरी मदद नहीं करते, और मुझे वो किताब चाहिए। स्वार्थी, लालची, कमजोर नियत वाले। उसे इल्जाम दो, उसने मुझे इस तरह लिखा है। मुझे पता उसे कैसे ढूंढा जाए। वादा करो कि तुम मुझे किताब में वापस भेज। तुम्हें पता नहीं होगा, मैं भी अपने परिवार को याद करता हूँ। ठीक है, वादा? वादा करता हूं। मैं भी माँ को बचाना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर मैं मदद कर सकती हूँ। तुम यहाँ रहकर और सुरक्षित रहकर बेहतर मदद कर सकती हो, यही ठीक होगा। आप नहीं जानते मैं क्या कर सकती हूँ, और ना ही मैं जानती हूँ। मैगी, क्या तुम प्लीज
चलो तुम्हें यहीं रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैगी का ख्याल। हाँ, और फरीद का भी। क्या? और फरीद का भी ख्याल रखना। बेशक। मैं क्यों नहीं आ सकता, मेरी कार है। स्वीट हार्ट। बस उन्हें वापस ले आना। जरूर लाऊंगा। मुझे बेबी सिटर बना दिया, बढ़िया है। जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? ज्यादा नहीं लगेगा, चलो भी। हवा की सरसराहट सुनी और अंकल हेनरी और डॉर्थी वहां देख सकते थे जहां ऊंची घास झुक गई थी तूफान के आने से पहले। ये टोटो था जिसने डॉर्थी को हंसाया। वो एक छोटा सा काला कुत्ता था जिसके रेशमी बाल थे और छोटी सी काली आंखें जो खुशी से चमकती थी उसकी अजीब से नाक की दोनों ओर। टोटो, ओ टोटो डरो मत, अब तुम कैंसस में नहीं हो। ओ टोटो, टोटो, वहाँ नीचे से बाहर आओ, तुम मुझे मुसीबत में डाल दोगे। मैं हूँ, दरवाजा खोलो। जरा एक मिनट। और जरा भी आवाज नहीं, मैं सच कहती हूँ। मुझे माफ करना, मेरे पास कोई चारा नहीं था, पर देखो ये बास्ता है। पर मैं डरता हूँ जब सभी बदमाश एक से हो जाते हैं तो मेरे लिए भी। हेलो प्रिंसेस, तुम्हारा पिता कहाँ है? मैंने उन्हें बताया कि वो वापस चले गए। तुमने इन्हें बता दिया? उन्होंने मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया। क्या ये भयानक नहीं है? यकीन नहीं होता मैं इसका लेखक हूँ। हमें बताओ सिल्वर टंग कहाँ है इससे पहले कि तुम दोनों मारे जाओ। टोटो नहीं। टोटो, ओ मेरे खुदाया, उसे अपने पिता का हुनर विरासत में मिला है। एक और सिल्वर टंग, अपने कैप्रिकॉन बहुत खुश होंगे। उन दोनों को ले आओ। तो अगर डेरियस ने उसे बढ़कर किताब से निकाला है? ओ, नहीं नहीं, तो वो ठीक है। ज्यादातर तो वो ज्यादातर उसकी आवाज नहीं है। क्या क्या? पिछली बसंत में उसने उसे पढ़ा और उसकी आवाज चली गई, पर इसके अलावा वो ठीक ठाक है। गाड़ी रोको। किस लिए? बस गाड़ी रोको। आप समझ में आए? तुम बोलने वाले नेवले। मैं
मैंने तुमसे कहा था कि तुम उस बुड्ढे के साथ रहो, पर वो बहुत कमीना है। कैप्रिकॉन जैसा कमीना तो नहीं। उससे मुझे डर नहीं लगता, मुझे हत्यारों और चोरों ने पाला पोसा है। वहां तुम्हें डरावना लगना चाहिए। मैं तुम्हें वापस पैदल भेजूंगा। मैं बस तुम्हारे पीछे आऊंगा। अंदर आओ। उसके बाद तुम मुझे ड्रैगन्स ब्रेथ सिखाना। अंदर कार में बैठो। हेलो मिस्टर फिनोलियो। ये लोग बस घेरे को घेर रहे हैं, अब हमें अंदर जाना चाहिए। फिर हमें नौकरानियों के कमरों तक पहुंचना होगा। रीजा का कमरा है दाएं से तीसरा, अगर हम पीछे से अंदर जाएं तो। मैं पीछे से अंदर जाऊंगा, तुम लोग मुझे कवर देना। ठीक है, ये है तुम्हारा अंदर जाने का रास्ता। अब सुनो, ये खतरनाक खेल है, इसलिए तुम्हें इसे जारी रखना होगा, जल्दी काम करना होगा। पहले आप। क्या हम आराम करें? मैं ठीक हूं, चलो चलते हैं। नहीं मैं ठीक हूं। वो क्या था? कहां? वहां, वहां पर। उसे नीचे लाओ। चलो भी जल्दी। वो वहां है उस चौक के पीछे। जल्दी चलो भी। चौक पर उसका रास्ता रोको। देखो देखो ड्रैगन ब्रेथ को देखो। मैं समझ गया हूं, मेरे हाथ को महसूस करो। उसे अंदर गए बहुत देर हो गई, मैं जाकर उसे देख के आता हूं। चलो भी। बहुत खूब, थैंक यू। मुझे खुशी हुई। देखो तो कौन लौट आया। बहुत खूब, ठीक समय पर आए हो, अपनी सजाएं। कैप्रिकॉन का किला तो एक 5-स्टार होटल जैसा है। जाहिर है तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो तहखाने में डाला जाएगा, पर वहां के नजारे भी कुछ बुरे नहीं। रीजा, सॉरी। सुनो, तुम्हारा पति आया है,
वो तुम्हें बचाने आया है। फिंगर को मारने वाले हैं, वो उसे मारने वाले हैं और वो सब मेरी वजह से हुआ। नहीं ऐसा नहीं, वैसे हुआ क्या था? सभी अक्षर हैं अक्षर सम्राट के, ये बिल्कुल मेरी किताब की तरह है, अपनी ही कल्पना में चल रहा हूं ऐसा लगता है। पता नहीं कैप्रिकॉन तुमसे क्या पढ़वाने वाला है, उम्मीद है ये कुछ अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हूँ सचमुच, क्या तुम भी हो? कौन सी नाव जेमी? हमारी पुरानी नाव? तुम्हारा मतलब है हमारी पुरानी नाव चकनाचूर नहीं हो गई? मुझे यकीन आ गया, हालांकि मुझे पता नहीं वो बेचारा लड़का क्या करेगा अपनी नाव के बिना। नहीं मैं थक गई हूँ ये बेकार खेल खेलते हुए, मुझे बताओ मेरे पिता कहाँ पर हैं? मुझे बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं, सच कहो तो मुझे परवाह नहीं क्योंकि तुम भी अच्छी तरह पढ़ती हो जितना कि वो। तुम क्यों घूर रहे हो? तुम वैसे ही हो जैसा मैंने तुम्हें लिखा था, एक डरपोक ठग। तुम्हारी ये मजाल, तुम अपनी इस बेहुदा कहानी के लिए राजा ही इसे निकाल सकता है, क्या तुम्हें ये याद नहीं? तुम मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत ना करो, दूर हो जाओ मुझसे। दूसरों के साथ मैं इसको भी मौत के घाट उतारना चाहता हूँ। कुत्ता, तुम इस कुत्ते को मारना चाहते हो? जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, हम देखेंगे तुम कितने प्रभावित हो अपनी रचनाओं से, जब शैडो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगा, समझ गई? तुम इसे किताब से नहीं ला सकते, मैंने तुम्हें अंतिम कॉपी जलाते हुए देखा है। गलत, मैंने किताब की एक कॉपी अपने लिए बचा कर रखी है, क्या मैं अचंभों से भरा नहीं हूँ? नहीं, मैं उन सबको जला न सका है ना, जबकि मेरा पुराना दोस्त उसके अंदर कैद था। और तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा, और पसंद से मेरा मतलब है उसके खौफ से तुम दहल जाओगे। देखा तुमने मुझे संसार से कितना प्यार है, और इसके हर पन्ने पर मैं अपना नाम लिख देना चाहता हूँ। तुम और शैडो मेरी मदद करेंगे ऐसा करने में। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं पढ़ूंगी। क्या सचमुच? मैं जरा तुम्हें दिखाता हूँ कि उनका क्या हाल होता है जो मेरा हुक्म टालते हैं। यहाँ, ये बहुत शरारती रही, ये वाली बहुत तंग कर दिया था, हमेशा भागने की कोशिश, तो मैं इसे खत्म करने वाला हूँ। माँ, ये तुम हो? मो यहाँ है, हम बाहर निकल जाएंगे, हम भागने वाले हैं, हम सब बच निकलेंगे। कैसा भावनाओं का सैलाब उमड़ा है। माँ मेरी तरफ देखो, हाँ मैं समानता देख सकता हूं, क्या भी तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें मना सकता हूं अपने लिए पढ़ने के लिए? नहीं, नहीं, माँ, माँ, प्लीज, प्लीज। क्या अभी बहुत देर हो चुकी है कुछ फेर बदल करने के लिए? फेर बदल?
बस सोच रहा था शायद तुम कुछ लाइनें जोड़ सको तो मैं बताए मेरा मतलब क्या है। मुझे कुछ ज्यादा खूबसूरत होने की जरूरत नहीं या ऐसा कुछ। मुझे पता नहीं तुमने मेरे नाक पर गौर किया या नहीं। तुम्हें लगता है तुम ये कर सकते हो, दोबारा लिख सकते हो, कुछ चीजें थोड़ी बदलो ना। मुझे पता नहीं, ये बहुत शानदार आइडिया है। चलो क्या कर रहे हो तुम, छोड़ दो मुझे। तुम वहां नीचे नहीं जा सकते। मेरी बेटी उनके पास है, वो उसे मार डालेंगे अगर तुमने कोई बेवकूफी की। मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। हमें छुपे रहना होगा। डरने की कोई बात नहीं, ये बस धूल खाया पुराना ताबूत है। अगर वहाँ कोई दुष्ट आत्मा हुई तो वो हमसे नाराज नहीं हो रहे। प्रिंसेस को अपनी उस आवाज को आज रात आराम देने की जरूरत है। मैंने अपनी माँ को देखा है, वो यहाँ कैदी हैं। मैं जानता हूँ। तुमने मेरे डैड को देखा है? हाँ वो ठीक है। कैप्रिकॉर्न के पास किताब की एक और कॉपी है, वो उसे पढ़कर शैडो को बाहर निकलवाएगा। मुझ में मौका हुनर है, मैं ये कर सकती हूँ। तुम पढ़कर मुझे वापस भेज सकती हो। एक चांदनी रात में शैडो ने अपना घिनौना रूप दिखाया। उससे कैप्रिकॉर्न को मरवाओ, शैडो को ऐसा करने दो। प्रिंसेस के लिए खाना। कैप्रिकॉर्न चाहता है कि आज रात तुम अपनी शक्ति कायम रखो। तुम्हें रुकना चाहिए, हम भूतों की कहानियां सुना रहे हैं। तुम्हें भूतों की कहानियां पसंद नहीं है ना? मैं दिखाता हूं तुम्हें भूतों की कहानियां। तुम मेरा इससे पीछे छुड़ाओ, पीछा छुड़ाओ मेरा इससे, मेरी थैली। मेरी थैली। तुम्हारी खुशकिस्मती की ताबीज तुम्हारी। मुझे वापस दो। अंदर आकर क्यों नहीं ले जाते? तुम क्या कर रहे हो? किसी को हमें यहाँ से बाहर निकालना होगा, और मेरे ख्याल से ये लेखक नहीं हो सकता। तुम वो मुझे वापस दो। तुम जरा संभालना, शायद मुझे मेरी लक की जरूरत नहीं है। जो हमने शुरू किया था उसे मैं खत्म कर दूंगा। उस मरे हुए आदमी की हड्डियों से जो इस ताबूत में था, मैं तुम्हें श्राप। तुम ऐसा मत करो, अपने शाप वापस लो। हर कदम पर तुम्हारा पीछा करे। ये शाप वापस लो। ये दरवाजा खोलो, खोलो इस दरवाजे को। चलो भी, मुझे बाहर निकालो जल्दी। बचाओ, कैदी भाग रहे हैं। वो आग, अपनी आग का इस्तेमाल। चलो भी जल्दी करो। बचाओ, कैदी भाग रहे हैं। बचाओ बचाओ, कैदी भाग रहे हैं। खुल जाओ, चलो चलो। मुझे बचाओ, कैदी भाग रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी मुझे करो। मुझे माफ करना, मैं नहीं खोल सकता, मैं नहीं खोल सकता। रुको, मत जाओ। I'm sorry। तुम्हें इतना स्वार्थी बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें उस रूप में लिखा है। तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुम रुको और मेरी मदद करो। पकड़ो कैदी भाग रहे हैं, पकड़ो उन्हें। मुझे बाहर निकालो, जल्दी बाहर निकालो। कैदी भाग रहे हैं, पकड़ो मुझे, बाहर निकालो। आ,
ये तो सचमुच सबसे बड़ी बेवकूफी है जो तुमने अपने जीवन में की है एलेनोर। मतलब वहाँ ऊपर कुछ हत्यारे लुटेरे हैं। तुम्हें लगता है तुम वहाँ आराम से जाओगी, उन्हें हुक्म सुनाओगी उन्हें क्या करना है और वो मान लेंगे तुम्हारी बात, है ना? मूर्ख किताबी कीड़ा, कहीं की हकीकत का सामना करो। थैंक यू, तुम जिंदा हो। थैंक यू। ठीक है, बहुत हो गया। क्या तुम्हें वो मिले? रेसा, मैकी, कैसे वो? वो ठीक है। गुड। फिलहाल तो। पर कैप्रिकॉन के पास किताब की एक कॉपी है। क्या कहा? उसने छुपा कर रखी थी। हमेशा से उसका ये प्लान था कि किताब को पढ़कर शैडो को बाहर निकाला जाए। मैं उसे पढ़कर नहीं निकाल सकता, वो हम सबको मार डालेगा। उसे अब तुम्हारी जरूरत नहीं, उससे कोई और मिल गया। मैगी। मैगी? क्या लेखक की कल्पना रुक गई? मैं कुछ मदद करूं? ओ हाँ, ये सही है। तुम एक लेखक बनना चाहती हो ना? तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, बस एक अकेलापन सा है। कई बार जो संसार आप पन्ने परछते हैं, वो संसार से ज्यादा सजीव और दोस्ती भरा होता है जिसमें आप रहते हैं। और तुम सोचते हो तुम वहाँ हो सकते? तुम एक होशियार लड़की हो मैगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसी सुलझी हुई नौजवान लड़की इस तरह तहखाने में कैद हो जाएगी। वैसे मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मुझे क्या चाहिए, पर मैं इसके काफी करीब हूँ। सत्यानाश, वो जल्दी आ गए। वो जल्दी क्यों आ गए? ये तो बहुत ही असुविधाजनक है। को यही रख दो तुम। शब्द बिल्कुल अचूक होने चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा। उन्हें लेखक द्वारा ही लिखे जाना चाहिए। उन्हें इंक हार्ट की तरह पक्के होना चाहिए। हाँ, ये हुई ना बात। क्या बात हुई? कुछ जिससे मुझे वो याद रखेगी मेरी मर जाने की बात। मुझे तुम्हारे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में कुछ उम्मीद नजर नहीं आती बुढ़े। तुम मेरे ही टेढ़े मेढ़े अक्षरों से निकली हो मैगपाई, इसलिए ध्यान दो कि मैं कौन से पन्ने फाड़ रहा हूँ। इसे खूबसूरत पोशाक पहनाने के लिए ले जा रही हूँ। ओ फिक्र मत करो, दावत के लिए तुम्हें भी न्योता है। हम तुम्हारे बिना खाना नहीं खाएंगे। असल में तुम ही तो मेन कोर्स हो। शैडो तुम्हें खाएगा और बाद में उस लड़की को आज रात। इसलिए तसल्ली रखो, कोई आएगा तुम्हें लेने के लिए, समझे? तुम अकेली रहना चाहती थी, है ना? तो ये लो, तुम अकेली हो, बिल्कुल अकेली इस जंगल में। मच्छर काट रहे, छाले पड़ गए। ओ गॉड, और तुम्हारे पास कोई प्लान है? नहीं, कोई प्लान नहीं है। बस एक मोटरसाइकिल किराए पे लो, नक्शा ढूंढो और हम तब इस पर सोचेंगे जब वहाँ पहुँचेंगे। ये है वो प्लान। अपनी आग इस्तेमाल करो और उनका ध्यान भटकाओ। मैं किले को आग लगा सकता हूँ। मैं भी मदद कर सकता हूँ। मेरे रास्ते में मत आओ। जब कैप्रिकॉन के लोग आग बुझाने की कोशिश करेंगे तो मैं अंदर जाऊंगा और मैगी और रेसा को बचाऊंगा। उनकी तादाद ज्यादा है और उनके पास गन्स। हम ब्लैक जैकेट्स बनकर खुद का भेष बदलेंगे। चलो चलें। तो फिर जल्दी करो ना। ये सचमुच एक छोटा सा प्यारा सा गांव है, पर बेहतर होगा इससे कुछ बड़ी जगह मिले पांव फैलाने के लिए, अपनी बादशाहत की सरहदें बढ़ाने के लिए। इसलिए मुझे शैडो की जरूरत है और मैं नहीं चाहता कि कोई और यहां से भागे। अगर तुम कांपना बंद नहीं करोगी तो मैं तुम्हें पेन से जकड़ दूंगी। तुम मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं किताब पढ़कर पूरी सेना को बाहर निकाल? क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर सुझाव है? नहीं, सोचना भी नहीं। चलो जल्दी, चलो चलो। Thank you.
आगे बढ़ो। कोई चालबाजी मत करना वरना अपनी मां को कभी जिंदा नहीं देख पाओगी। प्लीज। समय आ गया है कि हम अपने पुराने मित्रों से मेल करें। उसे बांध दो। ग्रीनी, क्या तुम यहां से निकलना चाहते हो? पहले मेरी मदद करनी होगी। तुम इसमें बहुत माहिर हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम दोस्त वोस्त हैं। पढ़ो इसे, इसे पढ़ो। इंकार्ड, इसे पढ़ो। इंकार्ड, इंकार्ड, इंकार्ड। जल्दी पढ़ो। कैप्रिकॉर्न ने जालिम आदमियों की एक सेना का नेतृत्व किया जिन्होंने उन सभी दिलों और मनों में दहशत फैला दी जो उसके संपर्क में आए। वो जब भी पास से गुजरते लोग अपने दरवाजे बंद कर देते और अपने बच्चों को छुपा लेते। पर ये सभी दुष्ट लोग मार्ग ही जंगल में डटे हुए थे और उनमें से एक जो सबसे भयानक था वो कहलाता था शैडो। शैडो। वो रचा गया था कैप्रिकॉर्न के शिकार लोगों की राख से। शैडो अमर था और अजर था और अपने मालिक की तरफ बेरहम। उसकी उंगलियां और यहाँ तक उसकी सांस भी मौत बनाती थी। वो सूंघकर अपनी राह बनाता था। वो तभी आता था जब कैप्रिकॉर्न उसे बुलाता था। खाक से ऊपर उठकर एक बेशकले और भयानक जिंदा दरिंदा हमेशा उतावला रहता था शिकार पर झपटने को। पढ़ना बंद करो मैगी। मैगी पढ़ना बंद करो। सुनी एक लड़की की आवाज और जब उसने उसका नाम पुकारा उसे याद आया जिन लोगों की राख से वो बना था वो उनका दर्द महसूस करने लगा। शैडो बदला लेने का तय कर चुका था।
उनसे जिन्होंने आतंक फैला रखा था। उससे कहो बंद कर। शर्ड अपने मालिक के पास गया और अपने राग जड़ित हाथ उस तक फैलाए। ये वो किताब नहीं है, ये असली शब्द नहीं है। रोको उसे, कोई उसे पढ़ने से रोको, रोको उसे। मैं किस सावधान घटनाक्रम कैसे बदल गया? सिल्वर टंग ठीक समय पर पहुंचे डिनर के लिए। नहीं, मेरा किला नहीं। तुम सोचते हो ये बेकार लोग मुझे जीत लेंगे? जाओ उसे खाओ। इससे पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। संभल कर बस पढ़ती चली जाओ। क्या पढ़ती चली जाओ? मैं नहीं पढ़ सकती, पढ़ने को कुछ नहीं रहा। अच्छा लिखो। चलो भी मैगी, तुम ये कर सकती हो। शैडो मासूमों को छोड़कर मुड़ गया है। चलो भी मैगी। शैडो मासूमों को छोड़कर मुड़ गया वापस अपने दुष्ट मालिक की ओर, जिसने उसे इतने सालों से वश में कर रखा था। शैडो ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाए, अपने राख वाले हाथ, और जैसे ही उसने ये किया, कैप्रिकॉर्न झड़ने लगा और गिरने लगा किताब के पुराने पन्ने की तरह, बढ़ने लगा पारदर्शी और महीन कागज की तरह। कैप्रिकॉर्न की स्याह आत्मा दहशत से भर गई जब उसने देखा कि अंत करीब है, और इसी तरह उन सब की आत्माएं भी जो शैडो के अधीन थी, जिन्होंने कैप्रिकॉर्न के नाम पर दुष्कर्म किए थे, और वो अब उड़ गए बिल्कुल जैसे राख हवा में उड़ती है। ये मैगी है, वो पढ़ रही है। वो अपनी किताबों में वापस जा रहे हैं। मैं ये मिस कर दूंगा। मैं अपनी बेकार किताबों में वापस नहीं जाना चाहता। वो जिन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध बुलाया गया, वो जो उस लड़की की नजर में थे, आजाद कर दिए गए और सही कर दिए गए और वहीं भेज दिए गए जहाँ से आए थे। टोटो, मैगी, प्लीज मुझे आजाद कर दो। और उस बूढ़े रचनाकार को अंत में अपनी इच्छा प्राप्त हो गई। वो उस दुनिया में गायब हो गया जिसके बारे में उसने सपना देखा।
और आखिर में जो लगा जैसे जीवन भर की ख्वाहिश हो, उस जवान लड़की को अपनी दिली मुराद मिल गई। वो माँ जिसे वो जानती थी उसे वो दोबारा मिलेगी, और वो पिता जिस पर उसे नाज था, मैगी, उन्होंने दौड़कर अपनी बच्ची को बाहों में भर लिया। डार्लिंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या हुआ? मैंने मिस कर दिया, मैंने मिस कर दिया, वो सब चले गए। घर जाने के लिए मैं यहां बहुत देर से पहुंचा, अब वो मेरे लिए कभी नहीं पढ़ेगा। उसने कहा था कोशिश करेगा अपनी पत्नी के मिल जाने के बाद। वो ये नहीं करेगा, वो उसे दोबारा खोने का जोखिम नहीं उठाएगा। मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। बस करो एलिनोर, सुखद मन पर रोना बहुत बेवकूफी लगती है। यहाँ टेस्ट फिंगर। चलो जल्दी, हमें यहां से निकलना चाहिए, जल्दी। मैगी, चलो जल्दी करो, चलो भी। मैगी, किताब गायब हो गई। हमें उसकी जरूरत नहीं है। मुझे कई हफ्ते तक बुरे सपने आते रहेंगे अब। चलो चलो जल्दी। क्या तुम ठीक हो? ओह, तुम मेरे बिना ही जाने वाले थे क्या? ओ नहीं, तुम्हारा उनके साथ रहना बेहतर होगा। खैर, अगर तुम जा रहे हो तो इसे भी अपने साथ ले आना। तुमने ये चुराया? मैंने माहिरों से सीखा है। मैंने सोचा शायद हम इससे किसी को ढूंढ सकें, कोई और रीडर, कोई जो तुम्हें वापस भेज सके। उस लड़की के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें वो पसंद है ना? तुम मेरे साथ आओ, शायद तुमसे दोबारा ना देख पाऊं। मैंने सिल्वर टंग की जेब से उसकी तस्वीर चुरा ली है। अगर मुझे तुम्हें भुगतना पड़ेगा तो बेहतर है खुद को फायदेमंद बनाओ। हमारे आगे लंबा सफर है। 10 फिंगर, 10 फिंगर। मैंने वादा किया था, अब तुम्हारी बारी है। अच्छा, क्या तुम्हें यकीन है तुम ऐसा चाहते हो? तुम्हें याद होगा किताब के अंत में क्या होता है? जैसा मैंने लेखक को बताया था, वो अब मुझे नियंत्रित नहीं करता। मेरी किस्मत अब मेरे हाथ में है। गुड लक। ए, इसका गलत मतलब मत निकालना, पर वापस मत आना, ओके? इसे पढ़ो। बहुत साल गुजर चुके थे जब से डस्ट फिंगर ने उन हरियाली पहाड़ियों पर नजर डाली थी, और वो पुरानी चक्की वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी जितना उसे याद था। तितलियां घास के ऊपर फड़फड़ा रही थी।
वह चला गया जहां वो रहना चाहता है। और अब तुम? मैं उसके पीछे नहीं जा सकता क्योंकि मैंने ग्विन को पीछे रख छोड़ा है। उसकी कहानी का अंत अलग होगा, वो मरेगा नहीं। तुम हमारे साथ रह सकते हो, ये माँ का आइडिया है। सॉरी, क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं तुम्हें पढ़कर वापस नहीं भेजूंगी। तुम मुझे पढ़ना सिखा सकती हो? हाँ, शायद। मैं तुम्हें ड्रैगन ब्रेथ सिखा सकता हूँ। Roxanne! Roxanne!